नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। नई किरण, इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद। जी, हम लोग बात कर रहे थे विषाद योग के बारे में। आशा करता हूँ आपने चिंतन कर दिया होगा, चिंतन कर लिया होगा। और इस बीच हमारे पिंडवाड़ा से प्रवीण जी लिखते हैं, सुप्रभात, नमस्ते सभी बहनों को, भाइयों को और दोस्तों को खूब खूब गणी गणी खम्मा। चलिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, गणी खम्मा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में अभी इंदौर से विद्या बहन पहुँची हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है नई किरण कार्यक्रम में। ओम शांति। ओम शांति, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और बताइए, आप इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कब से आना हुआ आपका? मैं बाल्यकाल से ही इस आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा। बचपन से ही मुझे अध्यात्म बहुत प्रभावित करता था। तो किस तरह से ये जुड़ना हुआ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में? अध्यात्म में पहले से ही रुचि थी और जीवन का लक्ष्य था कि मानव सेवा करना है और अद्वितीय जीवन जीना है, असाधारण जीवन जीना है जो विश्व कल्याण हेतु हो, और ब्रह्मा कुमारी में आकर के वो लक्ष्य मुझे मिला है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो वर्तमान समय में है, जैसे कि हम लोग योग वगैरह करते हैं, तो आपके कुछ राज्यों के कुछ खास अनुभव हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। ओम शांति, गुड मॉर्निंग सर, बहुत ही अच्छे हैं आप। सुनाइए, आप कैसे हैं? बस हम भी बिल्कुल बढ़िया है, और आपके पास मेहमान आए जो इंदौर से विद्या बहन जी, को भी हमारा नमस्कार। जी जी, नमस्कार जी, बात कीजिए विद्या बहन से, इंदौर से पधारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंदौर की तो बात कितनी अच्छी है कि वहाँ स्वच्छता है इतनी, वहाँ कोई जगह पे स्वच्छता नहीं है, हमने सुना है। अच्छा, स्वच्छता आपको पता है। जी जी, और हम भी इंदौर में आ चुके हैं एक बार, और वहाँ का माहौल भी देखा है, कितनी बढ़िया जगह है, अच्छी जगह, अच्छा शहर है, स्वच्छ सुपरा शहर है, जिसमें नाम आता है वर्ल्ड में इंदौर का। बिल्कुल सही बात है विद्या बहन जी, हमारा नमस्कार आपको। जी, आपको भी नमस्कार। इंदौर स्वच्छता के लिए भारत में नंबर वन है, तो ये सफाई का संदेश पूरे भारत में यहाँ से दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और दूसरा नाम आता है सूरत का। जी, भी बहुत अच्छा है गुजरात में हमारे। जी जी, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि स्वच्छता तो किसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि स्वच्छता तो हमारा, कहते हैं हमारे गुजरात में कहवत है कि जहाँ स्वच्छता होता है प्रभु का वास होता है। तो जहाँ स्वच्छता होती है तो अच्छा ही माहौल होता है, अच्छी बीमारी भी नहीं आती है, और लोग हमको हमारी तारीफ करते हैं कि भाई एक अच्छा घर है, साफ सुथरा घर है, इसका आंगन भी अच्छा है। और कई लोगों को तो दिखता है तो स्वच्छता बिल्कुल नहीं होती, तो लोग जाना भी वहाँ पसंद नहीं करते। ओके, सुरेश जी, आज हमने चिंतन का विषय रखा है विषाद योग के बारे में बताने के लिए। आप तो बता रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ी नॉलेज कम है, मैं बताता हूँ कि महाभारत की बात है। तो महाभारत में जब विषाद योग होता है तो इसमें शंख बजाते हैं पहले, तो शंख बजाते शुरुआत करते हैं इसकी, शंख बजा के वो लड़ाई का आह्वान करते हैं, युद्ध शुरू होगा। विचार क्या लेना, हमारे मंदिरों में भी भगवान के सामने शंख बजाते हैं, हमारे जो गुजरात में हर मंदिर में शंख बजाते हैं पहले। जी जी जी, और भगवान का आह्वान करते हैं। ओके, ये शुरुआत होती है, तो बस शंख बजाना, मुझे याद है की शंख बजाना भी एक योग है। तो शंख बजाते कि नहीं आप? बजा दे एक बार, तो लेकिन बजता कम है हमारे से। ओके, वो इतनी उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, करना पड़ता है, वरना शंख बजाना कोई आसान काम नहीं है, और सभी नहीं बजा सकते हैं। नहीं बजा सकते, वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ओके ओके जी, ओके सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, ये थे सुरेश जी जोटाना गुजरात से, और आप सभी से रूबरू हो रहे थे, और साथ ही साथ विद्या बहन से भी उन्होंने बातें की। और आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बात की कुछ विशेष अनुभव जो आपका योग का है, तो वो हमारे श्रोताओं को ज़रूर बताइए। जी, राजयोग
मन से जुड़ा हुआ है। जी जी जी। जिस तरह बैटरी को चार्ज करने के लिए हम प्लग में डालते हैं तो दो तार को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, ऐसे राजयोग में मन और बुद्धि ये हमारी दो तार हैं जो सर्वोच्च सत्ता परम शक्ति परमात्मा से हमें जोड़ना है। राजयोग संकल्प शक्ति है, तो जो हम हमारे संकल्प शक्ति से हमें परमात्मा अनुभूति होती है वही राजयोग है। तो जैसा हम संकल्प करते हैं, और मेरा पर्सनल ये अनुभव है कि हमारे शुभ संकल्प पॉजिटिव संकल्प जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं उसमें हमारे मस्तिष्क के अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है। जी 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 जी, बहुत ही सुंदर बात आपने बताया राजयोग के बारे में। हेलो जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया विद्या बहन, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ में प्रवीण जी ने बताया एक बहुत ही अच्छी बात, लिखते हैं दोस्तों काम अगर कठिन भी हो और नामुमकिन भी है तो उसे बहुत ही धैर्य और निरंतर करना चाहिए, आपको सफलता मिलने में आसानी होगी। सोच हमेशा पॉजिटिव रखें, क्या बात है प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज। और इसके साथ प्रकाश दर्जी वापस याद किया है, गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे यही एक दिन औषधि बन काम करेगी। गुड मॉर्निंग प्रकाश दर्जी। चलिए प्रकाश जी, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया, धन्यवाद। और इसके साथ ही आप विद्या बहन जी को मेरा नमस्कार प्रणाम, राजस्थान की धरा पर हार्दिक स्वागत है प्रकाश दर्जी। चलिए प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद विद्या बहन का स्वागत करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूँगा जैसे हमारे राजस्थान की खूबसूरती, जैसे कि पधारो मारो देश हम लोग बोलते हैं, स्वागत करते हैं मेहमानों का बड़े प्यार से आदर सत्कार से, तो आपका भी इन चंद तालियों के साथ हम करते हैं स्वागत। तो इंदौर की कुछ खास बातें बताइए, इंदौर कैसा शहर है, किस तरह से बना हुआ है, वहाँ की खूबसूरती क्या है आपके हिसाब से, और कितने समय से आप इंदौर में रह रहे हैं? इंदौर बहुत व्यवस्थित, मना जो उसकी वसाहत है वो बहुत अच्छे तरीके से बसा हुआ शहर है, और स्वच्छता तो पूरा देश इसको जानता है कि 3 बार स्वच्छता के लिए इंदौर को नंबर 1 मिला हुआ है। खासकर मैं इंदौर से बहुत ही नज़दीक इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर, अच्छा, मैं वहाँ पर रहती हूँ, हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, और पीथमपुर के लिए कहा जाता है वो औद्योगिक नगरी है, इंडस्ट्रियल हब है, और पूरे एशिया में नंबर 2 में ये औद्योगिक नगरी चलती है। अच्छा, जहाँ पर इंडस्ट्रीज है। और पीथमपुर की विशेषता है कि यहाँ पूरे भारत के दर्शन होते हैं। औद्योगिक नगरी होने के कारण यहाँ पर उद्योग और जॉब करने के लिए पूरे भारत के लोग एक ही स्थान पर बसे हुए हैं। अच्छा अच्छा, सब जगह से लोग वहाँ पर आते हैं अपना काम करने के लिए, तो उस वजह से एक पीतमपुर जो है एक मिनी हिंदुस्तान बन गया। हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत के दर्शन पीथमपुर में होते हैं, और पूरे भारत की भाषाओं के लोग भी, माना भाषाएं भी वहाँ सुनने के लिए मिलती हैं। क्या बात है, उड़िया, महाराष्ट्रियन, बिहारी, यूपी, सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। और वहाँ की लोकल भाषा क्या है? वहाँ की लोकल भाषा मालवी और हिंदी। अच्छा, मिक्स चलती है क्या? हाँ। वहाँ मैंने देखा कि हिंदी भी बोल लेते हैं, तो मुझे लगा कि हिंदी बोलते क्या, तो मालवी एंड हिंदी मिक्स भाषा दोनों है वहाँ पर। क्या बात है, तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया पीतमपुर के बारे में, और साथ ही साथ इंदौर के बारे में, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। हेलो जी नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति विक्रम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल मजे में। जी जी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहन जी को जरा फोन दीजिए ना। बहन जी सुन रहे हैं, बहन जी सुन रहे हैं, उससे बात करना चाहते हैं। जी जी जी, सुन रहे हैं आपको, बताइए। बचपन से ओम शांति परिवार में लिखे हैं जी। जी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। और ये प्यारा सा गीत आप सभी को बड़ा अच्छा लगता है, ताली पाड़ोनी राम नाम नी, तो चलिए सुनते हैं इस प्यारा से गीत को, उसके बाद फिर लौट के आते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम नई किरण। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और हमारे साथ मेहमान इंदौर से आई हुई हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? पाटना से कलावती बहन बोल रही। कलावती बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? अरे वाह वाह वाह। और हमारे हाँ विद्या दीदी आई हुई है इंदौर से, बात कीजिए उन्हें, हेलो कीजिए। हमें टीवी करता रेडियो सुनने में मजा आवे। अच्छा अच्छा अच्छा। सारा सारा गीतो आवे, कहानी आवे, बधु आवे। हाँ सांभरता रहियो। हाँ एक दिवस मळवा आवु तमने। आओ आओ, बधा स्वागत छे। ठीक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। चलिए, कलावती बहन गुजरात से बातें कर रहे थे और उन्हें रेडियो मधुबन सुनकर बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है उन्हें। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार कंचन भाई, स्वागत है, आइए। और मेहमान आए हुए हैं, स्वागत है। जी 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 जी। और जो बात बताई निशाल युग, कि भाई विषाद योग यानी दूसरा जो गीता में दूसरा नंबर का अध्याय है, दो नंबर का अध्याय है। अच्छा, और इसमें कहा है कि नहीं सामान्य जो महापुरुष है तो उसका जो रुदन होता है थोड़ा संस्कृति के लिए थोड़ा ये दुख होता है, रुदन होता है, इसके इसे विषाद योग कहते हैं। सामान्य मानस का जो रुदन होता है इसे इसे विषाद योग नहीं कहा गया।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और जो अर्जुन को महाभारत का युद्ध में अर्जुन को विषाद हुआ था, हाँ वो तो था साथ साथ में थोड़ा विषाद एक हुआ था, तो ये इसे ये विषाद कहा जाता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कंचन भाई, धन्यवाद जी सर। थैंक यू सभी दोस्तों को, आपको भी नमस्कार जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही अच्छी बात कंचन भाई ने बताया विषाद योग का मतलब क्या है, वो थोड़ा थोड़ा उन्होंने डिफाइन किया। आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और मैसेज आया है, लिखते हैं ताज़ी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो, जब भी खुले आपकी पलके उन पलकों में खुशियों की झलक हो। और विद्या दीदी को आवाज़ बहुत अच्छी है विद्या दीदी का, इसीलिए ये मैसेज उनके लिए भी खुली आपकी पलके उन पलकों में खुशियों की झलक हो, दीदी की आवाज़ बहुत अच्छी है। चलिए अर्शिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विद्या बहन को याद करने के लिए और उनकी आवाज़ अच्छी बताने के लिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो जी, हरिओम नमस्कार। हरिओम, कैसे हैं बाबू जी? बस मेहरबानी, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। बात सुनाए कि जो कि भारत से स्टार्ट हुआ है, हाँ जितने भी देवी देवता हुए सब भारत में ही हुए। क्या बात है भारत के अलावा कहाँ हुए हैं सर? सही बात है, इसलिए भारत को ही भारत माता से संबोधित किया जाता है बिल्कुल सही, माता ही कहते हैं सर इसको। सही बात है। ओके बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तबियत ठीक है? ठीक है सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो चलिए विद्या बहन से बातें करते हैं, और जैसे कि राजयोग एक जीवन जीने की कला सिखाता है, तो आपने किस तरह से इन चीज़ों को अपने जीवन में अंगीकार किया और इसको जीने लगे, आप थोड़ा सा बताइए। ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकल योग है, जो हमें रोज की दिनचर्या में हमारे कर्म करते हुए हमारे संकल्पों की शुद्धिकरण के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए राजयोग बहुत काम करता है। क्योंकि राजयोग संकल्प शक्ति है, संकल्पों में पॉजिटिविटी लाना है और परम शक्ति से जोड़ना है, राजयोग जीवन जीने की कला है। तो जिस तरह कहते हैं कि जीवन एक परीक्षा है, लाइफ इज अ एग्ज़ाम, और हम सभी ये एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस तरह एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उसके सामने प्रश्न ही आते हैं, सारे क्वेश्चन आते हैं और आंसर उसको लिखना होता है। तो सेम ऐसे ही हमारा जीवन भी एक परीक्षा है, इसमें समस्याएँ चुनौतियाँ संघर्ष ये सारे प्रश्न हमारे जीवन में आएंगे, और राजयोग उसका सॉल्यूशन है। राजयोग के अभ्यास से हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमें मिलता है और हर प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है, क्योंकि समस्याओं में जीना जीना नहीं है, समाधान ढूंढना ही राजयोग है। क्या प्रश्नों में जीना जीना नहीं है, उत्तर ढूंढना राजयोग है। बहुत बढ़िया, आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। हेलो, हाँ राजयोग के बारे में बहन जी बहुत बढ़िया बता रही है, लेकिन देखिए फोन किया मत करना। ओके जी, क्या है जो मैं हमारे इधर के बारे में और गुजरात के बारे में कहना चाहता था, जैसे इधर भी इंदौर के जैसा है, जैसे इंदौर की माता है महाकालेश्वर का मंदिर और फिर भैरव जी है इंदौर में, ऐसे गुजरात में इधर संतों की भूमि है, महात्मा गांधी का गुरु राजचंद्र जी का भी इधर मंदिर निवास स्थान है, मतलब यहाँ इधर। जी जी बहुत बढ़िया, शांति जी गिरी जी है हमारे कुल में साया की झूला, सही बात सही बात, महंतों का भूमि है गुजरात की। ओके जी बढ़िया जी, ओम शांति। और आइए विक्रम जी ने अपने यहाँ की इधर की बात बताई, जिस तरह से वहाँ महाकालेश्वर है वैसे यहाँ पर भी मंदिर है ऐसा उनका कहना था। तो चलिए, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, हर जगह अपने अपने मंदिर होते हैं और उसकी अपनी एक ऐतिहासिक कहानी भी होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और विद्या बहन से बातें हो रही हैं। हेलो जी नमस्कार। जी मदन लाल जी स्वागत है, हमारी दीदी आई उनका भी स्वागत है हमारे गुजरात और राजस्थान के वजन। जी बात कीजिए विद्या बहन से, बात कीजिए। जी नमस्कार, जी नमस्कार,
नमस्कार, आपका दिन अच्छा जाए और आप देखिए जरा आप तो नागुर रोड के अंदर सरेटी के अंदर जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, और आपने जो बताया है विशाल योग का बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी इतना लगता है नाम के ऊपर भी कह रहा हूँ ये विशाल योग का मतलब विश्व योग होना चाहिए। इसलिए सभी योग करें और ईश्वर को याद करें। गाना गाते हैं मेरे जीवन में जीवन का थोड़ी गम है थोड़ी खुशियाँ यही है ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग रूप ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग रूप थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ यही है छाँव धूप ये जीवन है ये जीवन है। नमस्कार, विषाद योग का सही मतलब अभी आप समझ गए होंगे कि आज का जीवन कैसा है। थोड़ी सी खुशियां हैं, थोड़े से गम हैं। विषाद इसी समय होता है जब अल्प सुख आपको मिलता है और फिर दुख बढ़ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर दुख की मात्रा थोड़ा बढ़ने के बाद विषाद होता है और लोग अल्प सुख की चाहत में अपने जीवन को गंवाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। विद्याबेन हमारे साथ हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आपने कहा जिस जगह पे आप रहते हैं पीतमपुर के पास में और वहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का जो आपका एकेडमी बना हुआ है एक एकड़ के लगभग ज़मीन में, तो उसके बारे में बताइए वहाँ की क्या बात है, वो किस तरह की है ना, उसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा इतिहास इस सेवा केंद्र के बारे में बताइए। पीतमपुर में जो हमारा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है जी जी। उसकी मुख्य संचालिका हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी सुनीता दीदी है। अच्छा। जो 30 वर्ष से वहाँ पर ईश्वरीय सेवा में सेवारत है। तो 30 वर्ष पूर्व पीतमपुर जो एक औद्योगिक नगरी है वहाँ पर उन्होंने ईश्वरीय सेवा का बीज बोया और आज एक एकड़ की ज़मीन में जो एक बहुत बड़ा राजयोग सेंटर हमारा जो बना है उसमें बहुत सुंदर म्यूजियम है जिस म्यूजियम में 400 मूर्तियों से सुसज्जित करके राजयोग का आध्यात्मिक ज्ञान उसमें चित्रित किया गया है और फिर हमारे पास एक बहुत सुंदर हॉल है बहुत विशाल हॉल है जहाँ पर हम व्यसन मुक्ति शिविर यूथ प्रोग्राम स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम अच्छा। और ऐसे प्रोग्राम वहाँ पर होते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ बहुत सुंदर गार्डन भी है, वहाँ पर हम कई एक्टिविटीज़ भी करते हैं। ओके अच्छा, हॉल जो है उसमें कितने लोग आते हैं, उसमें 1500 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। ओके, और जो ओपन ग्राउंड है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, उसमें 600-700 लोग बैठ 600 लोग तो बैठ सकते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना जो विशेष आपका ये पीतमपुर में ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है उसके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, क्योंकि आज नौसेना भारतीय नौसेना दिवस है, तो उन सभी नौजवानों को सलाम करते हुए देशभक्ति का ये प्यारा सा गीत आपके लिए, सुनते रहो मुस्कराते रहो। तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है।
ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। चलिए बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति गीत आपने सुना, कहीं ना कहीं दिल की आवाज़ दिल तक पहुंच गई है। और आप इन चीज़ों को जब सुनते हैं तो अच्छा करता हूँ कहीं ना कहीं देश के प्रति जो प्यार है, देश के प्रति जो सम्मान है, वो आपके दिल में ज़रूर जग जाता है। और हर भारतीय के अंतर मन को जगडोर देने वाला ये गीत था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और अभी हमारे विद्या दीदी से हम बातें कर रहे थे और उनके यहाँ की जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उसके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर सराउंडिंग है, उस तरह पे किस तरह के एक्टिविटीज़ चलते हैं वहाँ पर, नशा मुक्ति के प्रोग्राम का हो, राजयोग के प्रोग्राम्स का हो, कंटिन्यू चलते रहता है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार रमेश जी। जी आज नौ संसेना दिन है और बीएसएफ का दिन भी परसों गया हुआ है। जी 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 जी, हमारे नौ सैनिक जो अभी इतनी बारिश। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विद्या बहन बताइए आप वर्तमान समय में वहाँ पर किस तरह के एक्टिविटीज चल रहे हैं आपके यहाँ? जी अभी हम वहाँ पर राज्यों कोर्सेज तो हमेशा होते रहते हैं, और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण कई इंडस्ट्रीज कंपनीज वहाँ पर हैं, तो हम कंपनीज में जाकर के मैनेजमेंट कोर्सेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, इस तरह के कोर्सेज कराते हैं। अच्छा, अच्छा। समय प्रति समय वो लोग भी सेंटर्स पर आकर के एक्टिविटीज अटेंड करते हैं। अरे वाह। हेलो जी, तो हम लोग बातें कर रहे थे जैसे कि हम सेंटर्स पे लोग आते हैं तो वहाँ पर किस तरह के इंडस्ट्रीज हैं, मतलब खास जैसे ना कोई जगह पे होता है तो वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री होता है या पर कुछ और चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर ऐसे कौन सी आपके एरिया के पास में कौन सी तरह पर, के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज आयशर है, आयशर मोटर्स। अच्छा। और वहाँ पर फार्मा इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी है, स्टील कंपनियाँ भी हैं, तो मिक्स है, माना सारा टायर वो ब्रिजस्टोन भी है वहाँ पर। अच्छा, ओके ओके, माना मिक्स सब कंपनियाँ है अलग अलग। जी ओके ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आपके यहाँ जो सेंटर पे सवेरे और शाम किस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं उसके बारे में बताइए। सुबह और शाम मेडिटेशन कोर्सेज होते हैं, मेडिटेशन भी होता है, और राजो कोर्सेस होते हैं, तनाव मुक्ति शिविर होते हैं, और समय प्रति समय बच्चों के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, और खास करके कंपनीज के जो लेबर्स हैं उनको व्यसन मुक्ति, तो इस तरह के प्रोग्राम हमेशा वहाँ चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर।
और कोई खास अनुभव हो, जैसे व्यसन मुक्ति प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं तो उसमें किन लोगों ने प्रतिज्ञा वगैरह की है, कोई ऐसे छोड़ने वाले भी होते हैं? प्रतिज्ञा तो की है लेकिन प्रैक्टिकल ऐसे छोड़ने वाले भी जिन्होंने संपूर्ण जो व्यसनों से मुक्त हो गए हैं और किस तरह उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि जब वो अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम जब व्यसन करते थे तो हम कैसे थे और राजयोग और अध्यात्म से जुड़ करके उनके जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन आया, पारिवारिक जीवन में जो उनके सुख शांति आई, वो परिवर्तन देख करके हमें भी बहुत खुशी होती है। तो वो लोग आकर के अपना अनुभव भी हमें शेयर करते हैं और रेगुलर भी कई लोग सेंटर्स पर आकर के योग कर रहे हैं, योग करते हैं। क्या बात है। तो ऐसे कितने संख्या हो सकती हैं अब तक के आपके यहाँ जो सेवाएं शुरू की आपने व्यसन मुक्ति का, उसमें से कितने लोग मना रेगुलर अभी क्लास कर रहे हैं व्यसनों को छोड़कर? व्यसनों को छोड़कर के हमारे यहाँ मना हमने तो गांव-गांव में, इंडस्ट्रीज में, चौराहे पर जाकर के ये किया है और ऐसे हजारों लोगों ने हमारे पास प्रतिज्ञा के फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसमें से 200-300 लोग ऐसे हैं कि जो रेगुलरली हमारे कांटेक्ट में हैं और जिनका जीवन व्यसन मुक्त बन गया है। क्या बात है। और ये सेवा निरंतर शुरू भी है अभी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप नशे से मुक्त हो जाते हो, किसी भी तरह का आपका नशा हो, बस एक पहलू है कि आप राजयोग का सही थीम क्या है उसे अगर आप समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई वो जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं नशा मुक्ति के लिए सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, उसमें तीन तीन महीने लोगों को जो ड्रग्स लेते हैं या जो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, उन लोगों को रखा जाता है और फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तीन महीने के बाद भी ये गारंटी नहीं होता कि वो आके जाके वापस उन चीज़ों को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर राजयोग एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपको महीनों नहीं लगेगा, सिर्फ दो दिन का आप राजयोग या तीन दिन का राजयोग शिविर अगर अच्छी तरह से अटेंड करते हैं, उसके ऊपर चिंतन करते हैं और योग शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका दो या तीन दिन में आप सभी व्यसनों से मुक्त हो जाते हैं और आपका पूरा लाइफस्टाइल बदल जाता है, जीवन पद्धति बदल जाता है, आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि राजयोग एक बहुत ही सुंदर तरीका है और व्यसनों से और अन्य चीज़ों से, जैसे बुराइयों से मुक्त होने के लिए। राजयोग में जैसे कहते हैं नशा नाश की जड़ है, तो नशा करने वाले जो लोग आते हैं सबसे पहले हम उनको रियलाइज कराते हैं कि आप कर क्या रहे हैं और उनके ही मुख से वो रियलाइज करके उनसे बुलवाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत हूँ, क्योंकि रियलाइज मना रियल आइज, सच्ची आंखें। तो रियल आइज होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। जब रियलाइज होगा तभी चेंज आएगा, रियलाइजेशन से ही परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले उनको रियलाइज कराना है कि इससे क्या नुकसान है और उसके ऊपर हम मेहनत करते हैं कि उनको रियलाइज कराते हैं, जिससे आपका शरीर का भी नुकसान हो रहा है, परिवार का भी नुकसान हो रहा है, आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। तो उसके बाद फिर वो जब वो रियलाइज करते तो चेंज करने के लिए खुद ही तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताया, रियलाइजेशन चेंज करने के लिए एक माध्यम है। जब आप अनुभव कर लेते हो, आप समझ लेते हो सही बात क्या है, उससे आपका जीवन जो है बदलना निश्चित तौर पे बदल ही जाता है। जी। तो चलिए विद्या बहन, आप हमारे साथ इस नई कार्यक्रम नई किरण कार्यक्रम में जुड़े और अपनी दिल की बातें, प्रीतमपुर के बारे में आपने बताया, वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बताया, इंदौर के बारे में बताया और राजयोग जीवन जीने की कला, ये भी आपने मैसेज दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि जीवन से जब व्यक्ति हार जाता है, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि हम नशा इसलिए करते हैं क्योंकि हम दर्द में हैं, हम अपने दुख को भूलना चाहते हैं, मीन्स उसको भी सुख शांति चाहिए, लेकिन उसका सुख शांति खुशी ढूंढने की जगह और तरीका गलत है। प्रोसेस इज राइट, पर्पज इज राइट, बट प्रोसेस इज रॉन्ग। तो इसलिए राजयोग में सही प्रोसेस सिखाई जाती है जीवन जीने की। तो लास्ट में हम यही कहेंगे, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत करके खुश हुए तो क्या, हार करके भी मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है। हार के भी मुस्कुरा सकते हो अगर, तो वह जिंदगी है। धन्यवाद, ओम शांति। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आपने विचार हमारे साथ शेयर किया, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से आज के इस समय को एंजॉय किया
और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में यानी कल नई किरण में। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते खमा गनीसा। मेरे संग संग चलते।